आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम टीवी के ड्रामा सीरियल मन जोगी के बारे में, जो कि फाइनली अपने अहतमाम तक पहुंच गया है। ये ड्रामा सीरियल हमें हम टीवी की तरफ से देखने को मिला करता था और ये ड्रामे के टोटल 9 एपिसोड थी और मिनी सीरीज़ के तौर पर ये ड्रामा सीरियल था, जिसमें बिलाल अब्बास खान, सबीना फ़ारूक और गौर रशीद हमें मैन लीड में देखने को मिले थे। तो दोस्तों, इससे पहले बिलाल अब्बास खान हम टीवी वालों को 2024 का सबसे बड़ा ड्रामा सीरियल इश्क हुआ दे चुके थे, तो सब ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये भी ड्रामा सीरियल बहुत बड़ा हिट होने वाला है, क्योंकि बिलाल अब्बास खान उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप पे थे, ट्रेंडिंग पर थे और इनका इश्क हुआ ड्रामा सीरियल बहुत बड़े लेवल पर हिट हुआ था। तो हम टीवी वालों का भी यही अंदाज़ा था कि ये ड्रामा सीरियल, इनका अगला ड्रामा सीरियल भी एक बहुत बड़े लेवल पर हिट होगा, लेकिन मन जोगी ड्रामा सीरियल उस तरह का हिट नहीं हुआ, एक एवरेज ड्रामा सीरियल था। इसके मुकाबले पर जियो एंटरटेनमेंट की मिनी सीरीज़ इश्क हुआ एक बहुत बड़े लेवल पर हिट हुई थी, इससे ज़्यादा उसने टीआरपी भी ली थी, रेटिंग भी ली थी, व्यूज़ भी इससे काफ़ी अच्छे खासे थे। इस ड्रामा सीरियल की टोटल 9 एक एपिसोड थी और 9 एपिसोड मिलाकर तकरीबन इस ड्रामा सीरियल ने 35 मिलियन व्यूज़ हासिल किए थे। रेटिंग इस ड्रामा सीरियल की हाइस्ट रेटिंग जो थी वो 4.9 थी, और सबसे कम इस ड्रामा सीरियल ने 1 या 2 तक की टीआरपी ली है, और इसकी जो हाइस्ट टीआरपी थी वो सिर्फ 1 एपिसोड 8वीं एपिसोड की थी, जो कि 4.69 थी। इससे पहले पहले भी ड्रामा तकरीबन 2.1-2.1-2 तक की टीआरपी लेता रहा है। ड्रामे की रेटिंग के बारे में बात करें तो 5/10 इस ड्रामा सीरियल की रेटिंग थी। तो इस ड्रामा सीरियल की 9 एपिसोड थी, 9 एपिसोड मिला के तकरीबन 35 मिलियन व्यूज़ इस ड्रामा सीरियल ने हासिल किए थे। इसी के मुकाबले में जो इश्क हुआ थी उसने तकरीबन 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मिनी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और इसके बाद जो है इश्क बिलाल अब्बास खान 8 PM के स्लॉट का एक बहुत बड़ा ड्रामा सीरियल करने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक दुरा फिशा सलीम के साथ ही इनका अगला ड्रामा सीरियल हम टीवी का होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।